भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दिनेश कार्तिक ने अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका टीम के विरुद्ध T20 मैच भी खेला था। भारतीय टीम में ये बैटिंग करने के अलावा विकेट कीपिंग भी करते हैं। वहीं कार्तिक के क्रिकेट करियर में कई दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन इन्होंने हर बार अपने खेल को सुधार कर टीम में वापसी की। और ऐसे में कार्तिक उन युवा के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, जो इस खेल में अपनी पहचान कायम करने में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज हम आपको कार्तिक की निजी जिंदगी और उनके करियर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिनेश कार्तिक का जन्म और शिक्षा। दिनेश कार्तिक का जन्म भारत के चेन्नई शहर में सन 1985 में हुआ था और यहाँ के डॉन बॉस्को स्कूल और सेंट बेट्स एंग्लो हाई स्कूल से कार्तिक ने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की थी। इसके अलावा कार्तिक ने कुवैत के एक स्कूल से भी अपनी पढ़ाई कर रखी है। दिनेश कार्तिक का परिवार। दिनेश कार्तिक के पिता एक तंत्र विश्लेषक थे और उनका नाम कृष्ण कुमार है। इनकी माँ का नाम पद्मिनी कृष्ण कुमार है, जो कि एक कामकाजी महिला है। कार्तिक के परिवार में इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम विनेश है। कार्तिक ने अपने जीवन काल में अभी तक दो बार विवाह किया हुआ है। इनकी प्रथम पत्नी का नाम निकिता था। दिनेश कार्तिक की दूसरी पत्नी। साल 2012 में तलाक होने के बाद इन्होंने साल 2015 में दीपिका नामक लड़की का हाथ थाम लिया था। वहीं इनकी दूसरी पत्नी का नाता भी खेल जगत से है और वो एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक का क्रिकेट करियर। दिनेश कार्तिक ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस वक्त इन्हें इनके पिता द्वारा इस खेल का प्रशिक्षण दिया गया था। साल 1999 में कार्तिक को उनके राज्य के अंडर 14 टीम से खेलने का मौका मिला था। इसके बाद इनका चयन तमिलनाडु अंडर 16 और अंडर 19 टीम में भी कर लिया गया था। साल 2002 में कार्तिक ने अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला था। ये मैच इन्होंने तमिलनाडु की टीम की ओर से बड़ौदा टीम के खिलाफ खेला था। इसके बाद साल 2004 में इनका चयन भारत की अंडर 19 विश्व कप की टीम के लिए कर लिया गया। इन्होंने अपना प्रथम मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेला था और इस मैच में इन्होंने 29 गेंदों में 70 रन बनाए थे। दिनेश कार्तिक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर। अंतर्राष्ट्रीय के एक दिवसीय मैच में करियर की शुरुआत। साल 2004 में कार्तिक ने इंग्लैंड टीम के विरुद्ध अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला था। इस मैच में इन्होंने 12 गेंदों पर केवल एक ही रन बनाया था। हालांकि इस मैच को भारतीय टीम ने 23 रनों से जीत लिया था। दिनेश कार्तिक का पहला टेस्ट मैच। साल 2004 में ही कार्तिक का चयन भारत की टेस्ट मैच टीम के लिए भी कर लिया गया था और अपने पहले टेस्ट मैच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध खेलते हुए 28 गेंदों पर 10 रन बनाए थे। भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेलते हुए इस मैच को 13 रनों से जीत लिया था। अंतर्राष्ट्रीय 20 मैच में करियर की शुरुआत। कार्तिक ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 20 मैच दक्षिण अफ्रीका टीम के विरुद्ध साल 2006 में खेला था और इस मैच में कार्तिक ने 28 गेंदों में 31 रन बनाए थे। इस मैच को भारत ने 6 विकेटों से जीता था। दिनेश कार्तिक द्वारा खेला गया पहला आईपीएल। साल 2008 में कार्तिक ने अपना पहला आईपीएल मैच दिल्ली डेयर डेविल्स टीम के खिलाफ खेला था। इनके पहले मैच में इनकी टीम का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ हुआ था। साल 2011 में कार्तिक ने किंग्स 11 पंजाब टीम के लिए भी मैच खेला था। साल 2012 और 2013 में इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेला था, जिसके बाद साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और साल 2016 और 2017 में गुजरात लॉयंस टीम की ओर से कार्तिक ने मैच खेले हैं। आईपीएल 2018 में कोलकाता टीम का हिस्सा होंगे। इस साल होने वाले आईपीएल में ये कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की ओर से खेलने जा रही हैं। इतना ही नहीं, इनको इस टीम की जिम्मेदारी सौंपते हुए कप्तान बनाया गया है। इनको इस टीम के मालिकों ने नीलामी के दौरान 7 करोड़ में खरीदा है। दिनेश कार्तिक से जुड़े विवाद। कार्तिक ने साल 2007 में अपनी बचपन के दोस्त के साथ शादी की थी, लेकिन उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और साल 2012 में इनकी पत्नी निकिता विजय ने इन्हें तलाक दे दिया था। तलाक देने के बाद इनकी पत्नी ने साल 2012 में भारतीय टीम के खिलाड़ी मुरली विजय से विवाह कर लिया था।
जिसके बाद कार्तिक ने भी दूसरा विवाह करने का निर्णय ले लिया था। दिनेश कार्तिक से जुड़ी अन्य जानकारी, कार्तिक की जगह रखा था धोनी। दिनेश कार्तिक को खराब प्रदर्शन के कारण साल 2004 में भारतीय टीम से निकाल दिया गया था और इनकी जगह धोनी को टीम में लिया गया था। गौरतलब है कि धोनी भी कार्तिक की तरह विकेट कीपिंग करते हैं, हालांकि कार्तिक अभी भी भारतीय टीम के लिए खेलते हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग का भी हिस्सा है, कार्तिक उनके राज्य में होने वाले लीग का भी हिस्सा है। साल 2016 के इन्होंने टूटी पेट्रॉइट्स टीम की ओर तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया था और ये इस टीम के कप्तान भी थे। साल 2018 में इन्हें आईपीएल के केकेआर टीम की कप्तानी करते हुए देखा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ये अपनी टीम को ये लीग जिताने में सफल रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।